के हैं, किसके माध्यम से वो सहयोग राशि आई और कितना है? यह सहयोग राशि माननीय श्रीमान ओम प्रकाश चौहान जी, जो सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं, जो बलिया के रहने वाले हैं लेकिन आज लखनऊ में हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, माँ को, उनके माँ को, पिताजी को, कि ऐसे आपने बेटा को जन्म दिया। मैं भी नमन करता हूँ, आप हमारे आदर्श हैं और आप मुझे उत्साहवर्धन करते हैं। कहे कि कहीं भी जरूरत होगी पवन जी तो मैं, आप मुझे बताइएगा। और सीधे मैं नमन करता हूँ ओम प्रकाश चौहान जी को कि आप इतनी तरक्की करिए, और यह भी आशीर्वाद देंगे आपको कि इनको सहयोग करने के लिए ओम प्रकाश चौहान जी के माध्यम से 5,000 रुपये का सहयोग आया है। मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसी सोच को। कहीं भी कहते हैं कि कहीं भी जरूरत पड़ेगी पवन जी, आप हमारे छोटे भाई हैं, तो मैं नमन करता हूँ आपकी सीधी राशि इस माँ के लिए को मैं भेंट कर रहा हूँ, 5,000 रुपये का सहयोग कर रहा हूँ। और कहीं भी जरूरत हो तो आप लोग भी ऐसे माँ को, ऐसे हमारे पिता तुल्य भाई को आप लोग इसी तरह मदद करते रहिए। एक एक रुपया करेंगे तो इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए वह राशि, वह रक्त इनके लिए अनमोल होगा। और माँ आपको आशीर्वाद देगी कि आपने मुझे यह सहयोग दिए हैं। नेता तो बहुत हैं, बहुत नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन जब चुनाव आता है अजय जी ना, तभी वो आकर ऐसे लोगों के लिए सोचते हैं, नहीं तो फिर चुनाव जब बीत जाता है तो कोई सोचने वाला नहीं है। तो आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिए कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपने हक अधिकार। और कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो जो विश्वास है आज समाज का अजय जी, पवन चौहान पर, चौहान समाज की युवाओं पे, इन्होंने विश्वास होकर यह बात हम लोगों के यहाँ बताई। नहीं तो नेता और सांसद, मंत्री, विधायक बहुत हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, जब चुनाव आता है। बहुत 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 धन्यवाद बड़े भाई पवन चौहान जी, संगठन के प्रमुख। आपने सुना, आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि कहीं ना कहीं बराबर सहयोग। आज मैं अभी ये कर रहा हूँ, अभी दोबारा मैं सहयोग करने जहानागंज आजमगढ़ जिला में जा रहा हूँ आज ही। और ये पिताजी हमारे हैं, चाचा लगते हैं, मैं आज मदद भी किया हूँ, कल ब्लड डोनेट भी मैं खुद करूंगा, अपना ब्लड डोनेट करूंगा और अपने जीवन का बारहवां बार ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। और आपने सुना है कि जब चुनाव आता है, नेताजी ने बताया है, तो सांसद, विधायक, मंत्री, MLC सब लोग आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखावा होता है। इनसे जुड़ होके समाज को जोड़िए और माननीय पवन चौहान जी के कंधों को मजबूत करके पूरे उत्तर प्रदेश में एक चौहान समाज का परचम लहराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ।